नमस्कार। इंदौर में एक तरफा प्यार में युवती को संक्रमित इंजेक्शन लगवाने का मामला सामने आया है। युवती ने आरोपी गुंडे से दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज प्रेमी गुंडे ने दो बदमाशों को युवती की सुपारी दे दी। युवती का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी दो महिलाओं से उसके ऊपर हमला करवा चुका है। सराफा थाना पुलिस ने यह बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी किशोर पर हमला दर्ज किया गया है। आरोपी ने दो बदमाशों को सुपारी देकर उसे संक्रमित भिखारी के खून का इंजेक्शन लगवा दिया। गुंडे ने साउथ की आई नामक फिल्म देखकर यह साजिश रची थी। वह एक साल से युवती से दोस्ती करना चाहता था। युवती ने दोस्ती नहीं की तो गुंडे ने इस घटना को पहले दो महिलाओं से युवती पर हमला करवाया था और युवती की शिकायत पर पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है, जबकि सुपारी लेने वाले फरार हैं। पुलिस ने खून और इंजेक्शन को जांच के लिए भेज दिया है। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के नाम किशोर पिता राजकुमार कोरी निवासी इंदिरा नगर और संजय वर्मा निवासी रानीपुरा बताया जा रहा है। इनके साथी आकाश वरासी व रोहन फरार हैं। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को बर्तन बाजार में एक युवती अपनी बहन के साथ स्कूटी से जा रही थी। ट्रैफिक ज्यादा होने के चलते एक बदमाश ने उसकी स्कूटी को आगे आकर रोका, तभी दूसरे बदमाश ने उसकी कमर में संक्रमित खून वाला इंजेक्शन लगा दिया। युवती ने थाने पहुंचकर किशोर नामक युवक पर शंका जताई थी, तभी से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। टीम ने संजय को पकड़ा तो किशोर ने कबूला कि युवती बात नहीं करती थी, इससे वह खफा था। आरोपी ने बताया कि 4 महीने पहले साउथ की आई फिल्म देख रहे, जिससे उसे आइडिया आया, जिसने बदमाश एक हीरो को ऐसा इंजेक्शन लगाकर उसका पूरा शरीर खराब कर देता है, जिसके बाद आरोपी ने दोस्त संजय को साथ लेकर इलाके में एक बीमार भिखारी का खून निकाला और उसे संजय के घर फ्रिज में रख दिया। फिर मालवा मिल के बदमाशों को 5,000 रुपए सुपारी देकर इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार किया। बदमाश ने यह भी कबूला कि उसने युवती पर पहले भी हमले का प्रयास करवाया था। उसने दो महिलाओं को पैसे देकर युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला करवा दिया था। युवती ने इसकी शिकायत छत्रीपुरा थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन तब किशोर का जो भूमिका थी उसकी जानकारी नहीं लग पाई थी।